चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दृश्य दर्शाने के लिए। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश टावरे को टिकट मिला, उनका भिवंडी में आगमन हुआ, कांग्रेसियों में भारी उत्साह देखा गया। हम आपको लेकर चल रहे हैं वहां का दृश्य दर्शाने के लिए, जिस तरीके से उत्साहित कांग्रेसी अपने उम्मीदवार के स्वागत में लगे हुए थे, यह स्पष्टीकरण दे रहे थे कि यदि अगर टिकट कोई पायलट उम्मीदवार को मिलता तो इतना उत्साह देखने को नहीं मिलता। हम आपको लेकर चल रहे हैं वहां का दृश्य दर्शाने के लिए, और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश टावरे ने हमारे टीम के साथ क्या बातचीत की है, लेकर चलते हो सुनाने के लिए। जो मैंने पिछले 5 सालों में किए थे और जो भी कुछ मैंने काम किए थे, मैंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी थी, और इसी आधार के ऊपर मैं अभी, मेरे को पूरा भरोसा है कि हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, राष्ट्रवादी के सभी कार्यकर्ता, उनके सभी नेता और जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं उनके सभी कार्यकर्ता नेता पूरी मेहनत करेंगे और ये सीट जीत कर लाएंगे, इसकी मेरे को उम्मीद है। और दूसरी बात ये कि शिवसेना और भाजपा, इनके जो आपसी तालमेल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मैं, मेरे को पूरा भरोसा है कि शिवसेना और भाजपा के भी बहुत सारे कार्यकर्ता और वोटर्स मेरे को वोट देंगे, इसकी मेरे को पूरी भरोसा है। और भिवंडी लोकसभा से मेरे को भारी मतों से पूरी भिवंडी की जनता मेरे को चुनकर देगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक भिवंडी में जो मंदी चल रही है और उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद में जो टोरंट पावर परेशान कर रही है उसके लिए लड़ूंगा। उसके बाद में जो अपनी लोकल ट्रेन का काम है वो करना है, फिर शाहपुर के अंदर पानी का मसला है, मुरबाड़ के अंदर ट्रेन का मसला है, ये सारे काम मेरे को करने हैं। आप जो मैंने कहा लोकसभा के अंदर जितने काम है उतने करेंगे, क्योंकि लोकसभा क्या कैसी मिलेगी उसके बारे में, और जो अपनी सिटी आज भिवंडी शहर की जो हालत है उसको भी अपन सुधारेंगे। 5 साल जो मेहनत थी वो रंग लाई, कहीं जाया नहीं गई। इन्होंने 5 साल के बाद भी ये मैदान में रहे, जनता के बीच में रहे, थाना ग्रामीण अध्यक्ष बनकर रहे, उन्होंने काम किया और उनकी मेहनत का फल उनको पार्टी की तरफ से मिला है। तो हमारा काम ये है, हम किसी आदमी के बंदे ले नहीं है, हम पार्टी के बंदे रहे, पार्टी हाई कमांड ने फैसला हमारे सुरेश कुमार साहब का किया है। हमको सबको मिलजुल कर 29 अप्रैल 2019 तक हमको पूरा दिल ध्यान लगा के मेहनत करना है।